अच्छा सर तो सर अलहमदुल्ला सब ठीक ठाक ही चल रहे हैं बट आई एम फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ माई एनजाइटी सर मैं थोड़ा सा मेन थोड़ी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ श्योर श्योर कर सकती हैं आप जी जी सिक्स ईयर्स अगो मुझे मे, मेरी फर्स्ट पैनिक अटैक आई थी तो उस टाइम में मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी मुझे हॉस्पिटल ले गए थे मेरे भाई डॉक्टर ने चेकअप किया सब है तो उन्होंने बोला की के पास जाइए भाइया ने उतना केयर नहीं किया भैया घर में ले आया फिर उसके बाद एक डर बैठ गया था लाइक सडनली uh, like, कुछ भी अगर होता है हार्ट बीट फास्ट हो जाती थी और समथिंग एल्स जब भी होती थी I, मुझे बहुत uh, डर लगता लाइक uh -huh. like, मैं अभी मर जाऊंगी ये सिनारियो लास्ट फोर इयर्स तक चला आफ्टर दैट मैंने फिर से मेरी डर की वजह से भैया ने फिर से मेरा ईसीजी एंड ऑल दैट किया सब कुछ ही नॉर्मल था ठीक है लास्ट लास्ट ईयर हूं मैं एक मेरे फ्रेंड के साथ शेयर किया मेरी स्टोरी तो शी इज अ मेडिकल स्टूडेंट उन्होंने मुझसे

I get scared that my blood pressure is maybe high. Mm -hmm. but, uh, I told my brother that my blood pressure is high. He was like, no, it's normal. Uh mm -hmm. for a walk for us, it will be fine. Okay. After that, many yeah, I forgot it. Okay. In this eat, for one I was feeling mm -hmm. neck pain, back neck pain, my my neck was paining so much. So, mm -hmm. मेरी मदर मेरी मदर को हाई ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम है uh -huh. तो मैंने भी सोचा कि शायद मेरी भी हाई हो सकती है एट टाइम uh, मैं फिर से मेडिसिन स्टोर गई और चेकअप uh, करवाया uh -huh. मैं चेकअप uh, uh, करना करवाने से पहले आई गोट अ लॉट ऑफ एनजाइटी इट विल बी वेरी हाई तो मैंने चेक करवाया इट वाज लाइक It was like 120 by 88 or 90 something. Uh -huh. So I was in Kapatal panic attack Like I I got this fear that I got high blood pressure and it will never decrease. Uh -huh. uh, it, it to June uh, sorry, July month methi. So uh -huh. after that August and now September. क्योंकि आपने अपने पूछा की वो बैड क्या हो सकता है सर ये हो सकता है कि मुझे एक स्ट्रोक uh, आ जाएगा और हार्ट अटैक हार्ट स्ट्रोक कुछ और और सर मुझे तो फियर ऑफ डेथ है uh -huh. मैं कभी भी, भी uh, कोई लाश के सामने नहीं जा सकती हूँ मुझे पैनिक अटैक शुरू हो जाता है ये मुझे नहीं था सर मेरी डेड सेवन अगो सॉरी सिक्स ही पास So uh -huh. after that, this fear is increased a lot. Uh -huh. Uh -huh. Even as we sir, maybe my blood pressure is high. I can't do anything. I can't do any uh, homework on anything. Uh -huh. So every day, sir, it's really difficult for me to uh -huh. to live. Honestly speaking. हम्म mm हम्म. -hmm. All right. Anything else? No sir, nothing else. All right. And of course sir, I I I have health anxiety. हम्म mm हम्म. -hmm. That's it. All right. First of all, ah uh, thank you so much के आपने बंगलादेश से हमें join किया और अगर आप मेरे बारे में जानते हैं, so तो आपको उर्दू understand होती है?

सो so, मैं आपको जो मशवरे दूंगा वो मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से होंगे मेरी लाइफ के जो मैंने जिन लोगों को कोच किया उन लोगों के जो है ना वो एक्सपीरियंसेस से जो जो कुछ मैंने पिकअप किया वो सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा सो वन थिंग मेक श्योर कि आपने इन पे यकीन करना है और हंड्रेड एंड टेन परसेंट करना है ठीक है तो इसीलिए मैं आपको जो भी चीजें कहूंगा उनको मेक श्योर कर लीजिएगा कि इनके बाद आपको सिर्फ अमल की जरूरत है सेकंड ओपिनियन की भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने बड़ी सेकंड ओपिनियंस इन पे करके देखी हुई है मुझे थोड़ी सी आप अपनी रूटीन के बारे में बताएं आप करती क्या है और लाइफ किस तरह आपकी गुजर रही है आपकी एज कितनी है आपका वेट कितना है कैसा इनवायरमेंट है जहाँ रहती है Mm -hmm. and my weight is uh, 72 72 and, and height sir uh, height five five inch 5 feet five, 5 inch all right married have single uh, sir my single name, i have a boyfriend oh uh but the, <laughs> <laughs> but the boyfriend could define kerega? सर मैं अभी तक बॉयफ्रेंड के साथ कुछ भी शेयर नहीं करी हूँ इस बारे में समटाइम्स आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड देन मुझे फील आता है कि मैं अब शेयर कर दूँ दैट आई हैव दिस प्रॉब्लम और नहीं करती हूँ बॉयफ्रेंड के रिलेशन को आप कैसे ज, मतलब डिफाइन करते हैं कि जी जस्ट बातों की हद तक है समथिंग फिजिकल है कैसा है आपका बॉयफ्रेंड का नो 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 नथिंग इज फिजिकल सर ही वाज ही इज अ रिलेटिव ऑफ आवर फैमिली So you you. Can say future like husband. Like, yeah. future, yeah, Inshallah, husband? future husband. husband. Yeah, Yes sir. I will must pray for फ्यूचर हजबेंड फ्यूचर जो चीजें आपने मुझे बताई है ना इन चीजों को yes, आपका समझना बड़ा जरूरी है कि अच्छा ये फियर ऑफ देथ जो है ये आपके फादर के बाद आपने कहा आपको ज्यादा हुआ yes, आप मैं फियर ऑफ से शुरू करता हूँ आप जब किसी से मोहब्बत करते हैं ना आप हमेशा उसको खोने से डरते हैं और जब आप उसको खो देते हैं ना तो फिर आपको एक डर बैठता है जैसे फर्ज करें आपने किसी की मौत देखी और अपने किसी चाहने वाले की मौत अपने सामने देखी तो आप यही सोचेंगे कि नेक्स्ट वन जो होगा वो मैं हूँगा आप इसलिए सोच रहे हैं कि ये सब के आपका जो माइंड है जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वो एक्सपीरियंसिस से एक्सपीरियंसिस जोड़ता है वो जोड़ता है कि जो पहले हुआ था वो ही होगा या उस जैसा ही कुछ होगा yes, जैसे फर्ज करें आप एक दिन क्लासरूम में गई और आपके जो टीचर थे उन्होंने कहा कि पहला लेसन जो है वो आप सुनाए तो आपने लेसन आपको ठीक से नहीं आता था लेकिन जैसे भी करके आपने सुना दिया मुश्किल बला टल गई अब नेक्स्ट जब आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जहां भी जाएंगे आपके माइंड में एक थॉट प्रोसेस होगा कि आज भी मेरे से ही लेसन सुना जाएगा आज भी मेरे से ही शुरुआत होगी तो माइंड जो है वो प्रीवियस एक्सपीरियंस प्रीवियस एक्सपीरियंस इसको जोड़ के एक जो है ना वो बिलीव सिस्टम डेवलप करता है अब ये जो साढ़े छ सात साल छ सात साल से आप एक यकीन रखे हुए हैं कि मैं मर जाऊंगी तो ये आप अपने आप से पूछें कि छह सात सालों से मैं मरी क्यों नहीं क्योंकि आप एक फॉल्स स्टेटमेंट के साथ उसी को गो थ्रू करती जा रही हैं उसी को बार बार माइंड में रिपीट करती जा रही हैं और उसको सबकॉन्शियसली आपने एक पैटर्न दे दिया है एक लूप दे दिया फिर वो घूम जाता है आप जब भी आपको ख्याल आए कि मैं मर जाऊंगी तो आपने उसको लेके परेशान नहीं होना आपने उसको लेके अपनी फिजियोलॉजी चेंज नहीं करनी अपनी मेंटेलिटी चेंज नहीं करनी अपने थॉट प्रोसेस को चेंज नहीं करना आपका ख्याल आए, मैं है, तो तो है मैं मर जाऊंगी तो ठीक है मर जाऊंगी तो मर जाऊं क्या हो जाएगा वरना तो सब सबने मैं मर जाऊंगी तो क्या हो जाएगा इसमें नया क्या होगा अगर आप मरेंगी तो नया क्या होगा अगर मैं मरूंगा तो नया क्या होगा अगर कोई एक्स वाई जी मरेगा तो नया क्या होगा नया तो कुछ भी नहीं होगा ना वही लोग आएंगे चार लोग आएंगे हमें दफनाएंगे फातहा पढ़ेंगे और घर को चले जाएंगे फिर अगले दिन हमारे कुल पे आएंगे सेम वही रूटीन होगी वही प्रोसीजर होगा कुछ डिफरेंट होगा हमारे मर जाने से कुछ नया होगा नहीं होगा क्योंकि हम जब इस कायनात में आए एक वादा करके आए कि अल्लाह हम तेरी चीजें हम तेरी तरफ से आए हैं तेरे लिए आए हैं और तेरी तरफ ही जाएंगे हम इस चीज़ से भाग नहीं सकते हम इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते असल प्रॉब्लम ये है कि हम जिस चीज के लिए यहाँ आए हैं हम उस चीज़ को भूल गए हैं वो जो अंदर हमारे डर है वो जो है वो हमारे अंदर हमारी जो रूह है वो अल्लाह के साथ जुड़ी है गलत कहते हैं लोग के रूह की गजा मौसी की है नई रूह की गजा मौसी की नहीं है रूह की गजा अल्लाह से जुड़ना है ये आपकी रूह आपको कहीं ना कहीं वो डालती है कि बच्चे संभल जाओ बच्चे सुधर जाओ दिस लाइफ इज टू शॉर्ट यू हैव टू आंसर आपने आंसर करना है हम डरते हैं मौत से असल में डरावनी चीज मौत नहीं है मौत से ज्यादा डरावनी चीज हमारे अमाल है आपके अमाल अगर अच्छे नहीं मेरे अमाल अगर अच्छे नहीं तो मैं हमेशा फियर रखेगा रखूंगा मौत का मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके दिल में जरा भी मौत का डर नहीं है उनकी मैंने जब लाइफ स्टोरीज देखी उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ी चेंजेस है वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं आप जिस चीज़ से मोहब्बत करते हैं आपको उससे मिलने की जल्दी होती है कि देरी होती है Obviously, जल्दी होती है सर सो so, इसको देखें कि कहीं आप दुनिया की मोहब्बत में तो मगन नहीं है आपने एक चीज मेक श्योर कर लेनी है कि आपके अमाल इतने अच्छे हो जाएं कि आपका एवरी इंच परफेक्ट हो जाए जब आपका एवरी इंच परफेक्ट हो जाएगा आप मुझे दोबारा कॉल करके बताइएगा कि आपके अंदर फियर ऑफ डेथ है कि नहीं है नो टॉक अबाउट हेल्थ एनजायटी हेल्थ एनजायटी से पहले मैं आपके ये ब्लड प्रेशर फोबिया के ऊपर आना चाहूंगा एक बात मेरी याद रखिएगा आपका जो दिमाग है ना ये आपकी सारी चीजों को कंट्रोल करता है आपकी हार्ट बीट को आपके ब्लड प्रेशर को आपके ब्लड फ्लो को आपकी ये जो पूरी अंदर की फिजियोलॉजी है ईच एंड एवरी पार्ट जो है ना वो कंट्रोल्ड बाय योर माइंड है। मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल देता हूं अगर फर्ज करें अभी मैं आपको कहूं कि कोई बुरा इंसिडेंस याद करें तो आपकी आंखें जो है जब बंद हो जाएंगी जब आप उस मंजर को याद करेंगी तो क्या आपकी हार्ट बीट नॉर्मल रहेगी कि तेज हो जाएगी तेज हो जाएगी सर क्यों तेज हो जाएगी वो तो इंसिडेंट तो अभी हुआ ही नहीं है वो तो पहले हुआ था या पहले होने वाला था कुछ भी अभी तो नहीं हुआ ना तो अभी क्यों हार्ट बीट तेज होगी मतलब दिमाग हार्ट बीट को कंट्रोल करता है ठीक है दिमाग आपकी डिजीजेस को कंट्रोल करता है आप बायोलॉजी ऑफ बिलीव की जो एक बुक है डॉक्टर ब्रूस लिप्टन की उसमें उस बंदे ने बड़ी खुल के बातें कही है कि अगर आप अपने यकीन की पावर को अगर आप अपनी पावर को समझ गए ना कि आप क्या हो तो आप फिर मेडिसन नहीं खाओगे आपके ईच एंड एवरी सेल जो है हमारे जितने भी बॉडी के अंदर सेल्स हैं इन सब के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव है और ये सारे हमारे गुलाम हैं अल्लाह ने इंसान को बड़ा पावरफुल बनाया मैं पहले समझ नहीं सकता था इंसान की वर्थ को इंसान को اشرف المخلوقات कहा गया तो क्यों कहा गया लिटरली मैं हैरान हो गया कि इतनी बड़ी ट्रिलियन सेल्स हमारे अंदर है और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हमारा मुhtaaj है अगर हम एक सोच दे देंगे नेगेटिव तो सारी हमारी बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगी अगर हम सोच दे देंगे पॉजिटिव तो हमारी पूरी सोच पॉजिटिव हो जाएगी पूरी बॉडी पॉजिटिव हो जाएगी तो आप जब कभी पैनिक होगी आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा या लो होगा कुछ लोगों का हाई होता है कुछ लोगों का लो होता है आपको अगर ई जी करवानी है तो आपने वहां बैठ के सबसे पहले एक गिलास पानी पीना है थोड़ी देर उस बंदे से बातें करनी है जो आपका ई का जो है ना वो ऑपरेट मतलब ई जो करने वाला है ठीक है जो ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला है yes, थोड़ी देर आफ्टर फाइव टू टेन मिनट्स आप अपनी इसी चीज करवा लीजिएगा इवन मेरे पास बड़े ऐसे केसेस हैं मैं खुद ऐसा ही हूं कि जब मैं पैनिक होता था तो मेरे स्टाफ के मेंबर्स जो है वो मुझे गाड़ी में डालते थे और लेके जाते थे जब आधे घंटे की ट्रेवलिंग के पास हम हॉस्पिटल में पहुंचते थे तो मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाता था वो सारे समझते थे शायद ये ड्रामा कर रहा है बट दे नेवर नो कि अंदर क्या गुजर रहा है सो so, आपकी फैमिली माशाल्लाह सपोर्टिव है बट कीप इन माइंड अच्छे लोग सदा अच्छे नहीं रहते और बुरे सदा बुरे नहीं रहते अगर आज का आज कोई आपका सपोर्ट कर रहा है आपको सपोर्ट कर रहा है मेरी ख्वाहिश है कि सब आपको सपोर्ट करें बट मीनवाइल अगर कल को कोई नहीं करता देन व्हाट विल आपकी जिम्मेदारी आपकी जिंदगी है आपके पास सबसे कीमती जो चीज है वो आपकी अपनी जात है अगर आप खुद पे नहीं लगाएंगी तो कैसे चीजें जो हैं वो आपके कंट्रोल में आएंगी ये सारी बातें क्लियर कट है इस चीज की कि आप अपने ऊपर टाइम नहीं लगाती आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश नहीं कर रही सर, अंदर से वो खुशी ही नहीं आता सर हमेशा सर कभी भी वो कभी भी कुछ करना चाहती हूँ वो डर आ जाता है अच्छा मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दे मैं आपके सामने दो सिचुएशंस रखता हूँ के दो रेसलर हैं ठीक है पहलवान है और एक है 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 ठीक ठीक एक एक ए ए और बी रेसलर जो ना वो सुबह फजर के वक्त उठता है सबसे पहले इबादत करता है नमाज पढ़ता है अल्लाह को याद करता है फिर वो कुरान पढ़ता है फिर वो रेसलिंग की प्रैक्टिस करता है फिर वो वॉक करता है फिर वो हेल्दी नाश्ता करता है फिर वो

दोपहर को वो हेल्दी खाना खाता है शाम को फिर वो प्रैक्टिस करता है रात को फिर वो जल्दी खाना खाता है और फिर वो रात को ईशा की नमाज पढ़ के थोड़ी वॉक करके सो जाता है अब दूसरी तरफ रेसलर भी है अपनी मर्जी से सोता है अपनी मर्जी से उठता है अपनी मर्जी से काम करता है जब दिल चाहा काम कर लिया शिकवे करते रहता है मेरे सारा दिन मेरी हार्ट बीट तेज है मुझे ब्लड प्रेशर है मुझे ये है मुझे वो है हर चीज पे वो ना एक्सक्यूज तलाश लेता है सेल्फ जस्टिफिकेशन दे देता है अब रेसलर ए और बी को पता चला है कि फिफ्टीन ऑफ अगस्त को दोनों की फाइट है पीछे सिर्फ पंद्रह दिन रह गए हैं मुझे बताएं रेसलर ए के अंदर डर होगा कि रेसलर बी के अंदर डर होगा डर किसके अंदर होगा बी बी के अंदर डर हो? होगा। अभी आप हैं। आपको रेसलर ए बनना पड़ेगा इफ यू वॉन्ट टू चेंज योर सेल्फ तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा खुशी एक प्रोसेस का नाम है खुशी आपकी अपनी प्रोडक्ट का नाम है खुशी बाहर से नहीं आती खुशी चीजों तो नहीं आती अभी आप थोड़ा सा हंसते मुस्कुरा दे आपको खुशी मिल गई मसला ये आप उस खुशी को महसूस नहीं करते क्यों नहीं करती क्योंकि आप खुशी के मायने समझ नहीं पा रहे आप समझ रही है कि मुझे जो मैं चाहती हूँ वो मिलेगा तो मुझे खुशी मिलेगी किसी चीज को चाहना वो खुशी नहीं होती वो तो तलाश है और तलाश में कभी खुशी नहीं हो सकती आपको समझना पड़ेगा अपनी लाइफ को आपके वालदेन में से किसी को ब्लड प्रेशर का मसला है और किसी को कोई मसला है तो वो आपके ऊपर इफेक्ट करता है जैसे मेरे केस में मेरे खानदान में हर दूसरे तीसरे बंदे को जो है वो डायबिटीज है तो मेरे ऊपर तो बहुत इफेक्ट करती थी ये डायबिटीज़ ये चीज़ कि मैं भी डायबिटीज हो जाऊंगा मैं भी डायबिटिक पेशेंट हो जाऊंगा जैसा मैंने डॉक्टर से सुना जैसे मैंने इर्द गिर्द के लोगों से सुना तो आई ऑनस्टली मैं ये सोचता था कि मैं नेक्स्ट डायबिटिक पेशेंट होगा बट आफ्टर सम टाइम रियलाइज मैंने जब स्टडी की मैंने जब चीजों को देखा तो नहीं रिलाइज की ये चीज कॉमन है ये तो क्योरेबल है ठीक तो हो सकती है मेरा माइंड का वो पैटर्न सिस्टम बदल गया सो टेक अटार्ट कैसे करना है अपनी रूटीन बताएं कितने बजे सोती हैं कितने बजे उठती हैं

सर बिकॉज़ ऑफ माय दिस एनजाइटी आई फील लाइक सम टाइम आई शुड स्किप माय लंच सो सम टाइम आई स्किप कर जाती हूं और रात का खाना रात का खाना सर 10:30 बजे उसके हम्म देखिए और पूरा दिन मोबाइल का कितना यूज है सर मोबाइल को सर बहुत यूज करती हूँ सर मैं uh, मैं कंप्यूटर टीचर हूँ सर तीन, तीन बजे से छह बजे तक कंप्यूटर टीचिंग करती हूँ मोबाइल पे करती है कि लैपटॉप पे करती है कंप्यूटर नो, नो, uh, तो uh, में करती हूँ अच्छा ठीक हो गया अब आप जरा अपने ईमान से बताएं आपको लग गया मसला पता कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ है बड़ी सिंपल आपकी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो है ना वो रूटीन में है अगर आपकी नींद ठीक नहीं है ना तो आपको केमिकल इम्बेलेंसेज होंगे आप जितनी मर्जी अच्छी डाइट कर लें आपकी नींद अच्छी नहीं है तो आपको केमिकल इम्बेलेंसेस होंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ना वो हमारी नींद है अगर आप नींद अच्छी नहीं ले रही और जितनी आपने प्रॉब्लम्स बताई हैं ये सारी के सारी आपकी नींद से जुड़ी हुई है नींद जब होती है ना नींद में दो प्रोसेस होते हैं एक एनाबोलिक और एक कैटाबोलिक होता है ये दोनों प्रोसेस हमारे लिए बड़े जरूरी हैं अगर स्लीप आपका पैटर्न ठीक नहीं है मैंने एक बुक समरी भी बनाई थी वाई वो स्लीप जिसमें मैं पूरी एक जो है ना वो पूरा उसका जो है वो बताया था कि हमें सोना क्यों चाहिए और सोने के कुछ औकात हैं अगर आप उस टाइम पे नहीं सोते तो उसके बाद आपकी बॉडी जो है ना वो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस से गुजरती नहीं है अगर आप दो जो है ना वो इसके इसके टोटल स्लीप के चार फेसिस होते हैं नाइनटी 90 मिनट्स के कुछ लोग छह घंटे की स्लीप कहते हैं कुछ स्टडीज आठ घंटे की स्लीप कहती हैं बट छे और आठ घंटे ही हो ऑन टाइम हो आप अगर नौ बजे तक अपनी क्लास लेती हैं तो साढ़े नौ बजे तक आप सो जाएं। मैं साढ़े नौ बजे सो जाता हूं हद दस बजे हद दस गर्मियों में दस बजे सर्दियों में नौ बजे जिस दिन मैं नहीं सोता ना मैं आपसे ज्यादा सिम्टम्स फेस करता हूँ अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी कि मैं डिप्रेशन में दोबारा क्यों गया उसकी सबसे बड़ी जो रीज़न थी वो थी नींद मैं नींद नहीं पूरी ले रहा था मैंने थ्री मंथ्स नींद नहीं ली तो मैं एक बहुत स्वेर डिप्रेशन के फेस में आ गया आपकी जो रूटीन है मैं यही रूटीन फॉलो कर रहा था रात को दो तीन बजे सोता था सुबह दस ग्यारह बजे उठता था ऑनस्टली मैं पागल होने वाला हो गया था मैंने इतनी स्वेर दिखी क्योंकि अभी आपकी एज है ट्वेंटी असल प्रॉब्लम तब होगी जब आप थर्टी क्रॉस करेंगे अभी टाइम है अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अभी आपको मौका है सो लेट सपोज अगर हम स्लीप को चेंज करते हैं तो क्या पैटर्न है मैंने डेज बाद आपसे दोबारा बात करनी है मुझे फिफ्टीन डेज आप अपना पैटर्न बता दें फिफ्टीन डेज में हम कहाँ आएंगे बारह बजे तक आ जाएंगे इंशाल्लाह सर रात बारह से आपने सुबह हद आठ बजे तक सोना है टारगेट वन रात बारह से लेके आठ बजे तक आपने सोना है इसको कम कैसे करना है रोजाना थोड़ा थोड़ा टाइम -थोड़ा सोने में जल्दी करें और रोजाना थोड़ा थोड़ा टाइम उठने में जल्दी करें आपका ये टारगेट जो है ना वो सेट हो जाएगा ठीक है अब थोड़ा डाइट की बात करते हैं डाइट में आप मोस्टली ज्यादा क्या खाते हैं चावल के रोटी सर, चावल चावलों को थोड़ा कम करें ज्यादा बॉयल राइस नहीं खाते ज्यादा तड़के वाले राइस नहीं खाते ज्यादा राइस नहीं खाते ये आपके पैनिक अटैक्स को भी ट्रिगर करते हैं ये राइस जो होते हैं क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत अहम लिंक है आपकी ये पैनिक अटैक्स में और हेल्थ एंजाइटी में आपको किस-किस चीज से जो है वो हेल्थ फोबिया सर फर्स्ट ऑफ ऑल

जो आपने ली हुई है अभी सबसे बड़ा जो इनमें से सबसे एक में आपको एक्सरसाइज है ना वो डेमो के तौर रहिएगा इस सब में अभी सबसे बड़ा फोबिया आप तो ब्लड प्रेशर का ही है तो तो अच्छा मैं अगर आपसे कहूँ आंखें बंद करें और कोई एक इंसिडेंस याद करें जब आपने ब्लड प्रेशर चेक करवाया था तो जरा वो मुझे बताइएगा कि वो इंसिडेंस कैसा है और आपको कैसा महसूस हो रहा है आंखें बंद करके इसको याद करिए और मुझे बताए जरा uh, uh, अभी इसको पहले सोच ago. सोचें सोचे yes, और फिर मुझे yes. बताएं तर, आ, मैं ब्लड प्रेशर चेक करवाने जा रही थी वन मंथ ऑफ तब कुछ ऐसा सिनारियो हुआ था कि मैं एक मेडिसिन की आ, दुकान के बाहर गई देन आई गोट पैनिक कि मुझे hmm. नहीं चेक कर, चेक करवाना चाहिए देन मैं फिर अपने आप को समझाने लगी आफ्टर दैट आफ्टर टू थ्री मेडिसिन स्टोर आई है एक दुकान में गई hmm. बहुत ज्यादा पुश करके आपको गई

अपने ड्राइंग रूम में बैठी हैं। आपका ड्राइंग रूम जो है वो बड़ा कलरफुल है आप जिस सोफे पे बैठी हैं वो ब्लू कलर का है और आपने अपने फेवरेट कलर के कपड़े पहने हुए हैं आपने अपना फेवरेट खुशबू लगाया हुआ है आपके सामने चाय पड़ी है आपके सामने एक ब्लैक एंड वाइट टी है उस टीवी में इस पूरे मंजर को अब चलने दें चलने दें आपकी ब्रेथ नॉर्मल हो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ इसको चलने दें टीवी की आवाज आहिस्ता आहिस्ता कम कर दें आहिस्ता आहिस्ता कम कर दें टीवी का साइज थोड़ा सा छोटा कर दें मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ इसको चलने दें थोड़ा सा आगे उठे अपनी चाय पकड़ें और मजे से चाय को पीते हुए इस टीवी पे इसको चलने दें मेक श्योर sure आपकी सांस नॉर्मल हो आपकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल हो रिलैक्स हो आप मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ इसको देखते रहे मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ इसको देखते रहे वेरी नाइस वेरी गुड खुद में एक एनर्जी महसूस करें आपकी चाय खत्म हो गई है टीवी को आप बंद कर दें उठे जाए बंद करें और इस कमरे से निकलकर बाहर आ जाए जी आपको कैसा महसूस हो रहा है फीलिंग मोर कंफर्टेबल मोर रिलैक्स रिलैक्स हो रही हैं आप जबरदस्त हुआ नॉर्मली मैं ये यही एक्सरसाइज तीन दफा करवाता हूँ और पहली दफा में बंदे की जो है ना वो काफी कम से कम होता जाता है आपका कोई भी फियर है ना आप अगर ब्लड प्रेशर को लेके कर रही हैं तो इस एक्सरसाइज को करें फिर आप पैनिक को लेके कर रही हैं उस एक्सरसाइज को कर लें इसी को कर लें आप लेकिन ये आपको जो है ना सबसे बड़े फियर को बेसिकली हमारे माइंड में जितने भी पैटर्न डिवेल्प हुए होते हैं ना ये उनको मधम कर देता है उनके जो इमेजेस डिवेल्प हुए होते हैं उनको ये मदम कर देता है रिलैक्स कर देता है आपको लाइक like हमारा जो दिमाग है वो इमेजेस को कुछ फॉर्म्स में स्टोर करता है जितनी ज्यादा आप सेंसेस उस इमेजेस में डाल देंगे वो उतना ज्यादा कलर एच हो जाएगा क्वालिटी उसकी बेहतर हो जाएगी उस इमेजेस के इमेज के साथ आपकी उतने ज्यादा इमोशंस अटैच हो जाएंगे तो आपने अगर उसको डी अटैचमेंट करनी है इमोशंस की सो सो आपको उसको कलरलेस करना पड़ेगा आपको उसका साइज छोटा करना पड़ेगा आपको उसको साउंडलेस करना पड़ेगा आपके उसके अंदर से फीलिंग्स निकालनी पड़ेगी तो फीलिंग्स निकली अब इसको कम अज कम आपने दिन में जो है ना इसी एक्सरसाइज को कम अज कम दो से तीन बार करना है ठीक है और फूड में okay, आप sir. अंडे का इस्तेमाल ज्यादा करें अंडे का इस्तेमाल करें देसी चिकन का इस्तेमाल करें वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें ये वो चीजें हैं जो रेगुलरली बेसिस पे मैं करता हूँ एक्सरसाइज थर्टी मिनट्स रेगुलर फोर्टी मिनट्स की मॉर्निंग वॉक कमरे में ठीक है और फोर्टी मिनट्स की रात में वॉक शाम में ठीक है फोर्टी मिनट्स फोर्टी मिनट्स की आफ्टर मील तीन वॉक्स हो गई ठीक है और कुछ भी नहीं करना पानी की इनटेक ज्यादा रखें अपने आप की केयर करें देखिए जिंदगी आपने बदलनी है किसी और ने नहीं बदलनी आपकी जिंदगी आपका कंट्रोल आपकी लाइफ आपकी मर्जी अगर आप इन चीज़ों पर अमल करेंगे आफ्टर फिफ्टीन डेज अगर आपने इन बातों पे अमल किया हंड्रेड एंड टेन परसेंट अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के नमाज पढ़नी है कुरान पढ़ना है अल्लाह को याद करना है अल्लाह तला से मदद मांगनी है रिलैक्स रहना है नेगेटिव से पॉजिटिव करना है बी योर कोच बी योर मैंटोर बी योर मोटिवेशनल स्पीकर इनशाला आपकी जिंदगी बदल जाएगी ठीक है फिर अपना बहुत ख्याल रखिएगा इन फिर आपसे ओके अल्लाम अल्लाफि